गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सबमिशन विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सी एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन के बारे में पढ़ते थे। उसमें हमने कोशी रीमान समीकरण, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन, कोशी रीमान समीकरण का दूरी रूप, उसके बाद हमने उसका कोई फंक्शन के लिए दूरी रूप, और उसके बाद यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम इस क्लास में उसी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के जो टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज हम पढ़ेंगे लाप्लास समीकरण। क्या पढ़ेंगे? लाप्लास समीकरण, लाप्लास फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे लाप्लास फंक्शन और पार्श्ववर्ती फंक्शन। लाप्लास फंक्शन और पार्श्ववर्ती फंक्शन, देखो समझो, डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन आई नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं? माना एफ एक्स वाई एक्स तथा वाई का कोई फलन है। माना एफ एक्स वाई एक्स तथा वाई का कोई फलन है, तब एफ एक्स वाई एक लाप्लास समीकरण कहलाता है। यदि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोनों क्या हो? जीरो हो। समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को ही लाप्लास समीकरण कहते हैं। क्या बोला? देखो, माना एफ एक्स वाई एक्स तथा वाई का कोई फलन है, तब एफ एक्स वाई एक लाप्लास समीकरण कहलाता है। यदि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, समीकरण एक को ही हम क्या बोलते हैं? लाप्लास समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाप्लास समीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे समझे, आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक पार्श्ववर्ती फलन, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं पार्श्ववर्ती फलन। फिर पार्श्ववर्ती फलन की थ्योरम को प्रूव करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्श्ववर्ती फलन। क्या पढ़ेंगे? पार्श्ववर्ती फलन। देखो क्या है पार्श्ववर्ती फलन, माना डेफिनेशन देखो पहले, उसके बाद इसकी थ्योरम पे इंप्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो पार्श्ववर्ती फलन की डेफिनेशन कहती है कि माना
एफ एक्स वाई एक्स और वाई का कोई फलन है, क्या है फलन है, माना एफ एक्स वाई एक्स और वाई का कोई फलन है, यदि यदि एक्स और वाई के सापेक्ष फलन एफ के प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि माना एफ एक्स वाई एक्स और वाई का कोई फलन है, यदि x और y के सापेक्ष फलन f के प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो, क्या हो सतत हो, तथा यदि फलन f लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता हो तो फलन f को तो फलन f को पार्श्वाधी फलन कहते हैं, तो फलन f को पार्श्वाधी फलन कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो फलन f को क्या बोलते हैं, पार्श्वाधी फलन कहते हैं, आया समझ में, पार्श्वाधी फलन की डेफिनेशन क्या थी, माना एफ एक्स वाई एक्स और वाई का कोई फलन है, यदि एक्स और वाई के सापेक्ष फलन एफ के प्रथम कोटि तथा द्वितीय कोटि आंशिक अवकलज सतत हो तथा यदि फलन एफ लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता हो तो फलन f को पार्श्वाधी फलन कहते हैं, कौन सा फलन कहते हैं, पार्श्वाधी फलन कहते हैं, आगे सुनिए इसकी डेफिनेशन पार्श्वाधी फलन, अब उसके बाद हम करेंगे चरम, इसको लिखो उसके बाद हम चरम करेंगे नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कहता हूँ कि अच्छे से नोट्स बना सको, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना इनमें से 90% आ जाता है, बेटा उसको चले आगे देखो चोरम देखो, देखो थोड़ा इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्या कह रही है, विश्लेषित फलन
कथन देखो पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट ये बोलता है कि विश्लेषित फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई विश्लेषित फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई, वो जो पीछे डेफिनेशन लिखी थी ना उसमें जरूरी सर्विसेस संख्या के लिए वो, ठीक है ना, डेली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो, वो किसी के लिए भी हो सकता है, कोई फंक्शन एक्स वाई का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उसके डेरिवेटिव क्या सेकंड डेरिवेटिव का जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए, वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ हम बात करेंगे, अब समेशन डिसीजन पढ़ रहे हैं तो समेशन संख्या लेनी पड़ेगी, यहाँ बात करेंगे समेशन संख्या के लिए कि वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है क्या, तथा वो क्या है पार्श्ववर्ती फलन है क्या। देखो विश्लेषित फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई वाई के वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग सदैव पार्श्ववादी फलन होती है। क्या बोला विश्लेषित फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई के वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग सदैव पार्श्ववादी फलन होते हैं। ये प्रूफ करना है भला यू एक्स वाई और बी एक्स वाई ये दोनों पार्श्ववादी फलन होते हैं क्या, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखो यहां से लिख रहा हूं, प्रूफ देखो माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई फर्स्ट ए विश्लेषित फलन है माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई आइटा बी एक्स वाई एक विश्लेषित फलन है। हम जानते हैं कि फलन का अवकलज यदि कोई फलन विश्लेषित है, हम जानते हैं कि यदि कोई फलन विश्लेषित है तो उसके अवकलज डेल ए अपॉन में डेल एक्स डेल ए अपॉन में डेल वाई डेल ए अपॉन में डेल एक्स डेल ए अपॉन में डेल वाई डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, तो उसके अवकलज भी विश्लेषित होंगे। अतः यह अवकलज सतत है। क्या है? सतत है। यह अवकलज क्या है? सतत है। यहां तक कोई चीज संभव नहीं है,
विश्लेषिक है तो इसकी डेरिवेटिव विश्लेषिक होगी, प्रूव किया था अवकलज भी, अतः ये अवकलज क्या होगी, सतत होगी। पार्शियलिटी डेफिनेशन क्या लिखेगी, कोई भी फंक्शन है यदि वो एक्स वाई पे डिपेंड है उसकी डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अब क्या करना है, सतत तो आ ही गया, सतत तो आ ही गया, अब लाने क्या चाहिए, लाप्लास प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लाप्लास। देखो लाप्लास के लिए क्या करेंगे, समझो पुनः पुनः कोसी रिमान समीकरण से क्या याद कर, देखो डेल ऑफ फोर में डेल एक्स इक्वल टू द डेल ऑफ फोर में डेल वाई, फर्स्ट एक होता है डेल ऑफ फोर में डेल ऑफ फोर में डेल वाई इक्वल होता है माइनस डेल ऑफ फोर में डेल एक्स। ये होते हैं कोशी रिमान समीकरण, इनको यूज करेंगे। देखो डेल्टा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल वाई, डेल्टा अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन भी डेल एक्स। देखो क्या करेंगे, समीकरण दो को, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष, दो का एक्स के सापेक्ष तथा समीकरण एक का वाई के सापेक्ष, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष तथा समीकरण एक का वाई के सापेक्ष अवकलन करके, अवकलन करके जोड़ने पर समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष, समीकरण एक का वाई के सापेक्ष अवकलन करके जोड़ने पर, देखो इस समीकरण एक का वाई के सापेक्ष, ठीक है, समीकरण एक का वाई के सापेक्ष, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गई, समीकरण एक इसको डाल दिया ना हमने, तो ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ठीक है ना, गड़बड़ लगी क्योंकि डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर चाहिए था, ये सही चल रहा था, सही चल रहा था ना, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष और समीकरण तीन का वाई के सापेक्ष, समीकरण तीन का वाई के सापेक्ष अवकलन करने के, देख समीकरण एक का डेल स्क्वायर के ऊपर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर के अपॉन में सेकेंडरी फैक्टर का अपॉन में आंशिक अवकलन डेल स्क्वायर ऊपर डेल एक्स स्क्वायर एक्स का पीस, यहां एक्स का पीस का मतलब ऊपर डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखो डेल स्क्वायर ऊपर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये बात करना सर डेल वाई के साथ इसके डेल वाई को पहले लिख सकते हैं, ये अल्टरनेट कर सकते हैं, इसमें क्या कोई मतलब लगती है, चाहे डेल एक्स को पहले लिख दो डेल वाई को बाद में लिख दो, चाहे डेल वाई को बाद में लिख दो डेल एक्स को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं है। बोला क्या, इसका एक्स के सापेक्ष और इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करके जोड़ना है, जोड़ दो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इधर आके डेल स्क्वायर के ऊपर में डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर के ऊपर में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आगे सुन लीजिए, आगे
देखो यानी कि कोई भी विशेषी फलन है उसका वाचिक भाग पर्श्वादी फलन होता है। क्यों? क्योंकि वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। देखेंगे जिसको नाम डाल दो समीकरण चार लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः समीकरण चार लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः फलन f डेल्टा वास्तविक भाग समीकरण फलन f डेल्टा वास्तविक भाग पर्श्वादी है। ये था देखो विश्लेषी फलन f डेल्टा u x y i का u x y के वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग सदैव पर्श्वादी फलन होते हैं। ठीक है, u और v भी तो फंक्शन है वही। समीकरण चार से देखो पर्श्वादी फलन क्या बताया था मैंने, डेल स्क्वायर है अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वही तो देखो यू जो है वास्तविक फलन है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन क्या थी कि ये सतत होनी चाहिए, सतत है जैसे पहले विश्लेषण बोल दिया सतत है। लाप्लास को समीकरण को संतुष्ट कर रहे तो वो क्या हो गए पर्श्वादी हो गए। क्या हो गए पर्श्वादी। ये हो गया वास्तविक भाग के लिए, अब हम कहेंगे काल्पनिक भाग के लिए। कौन से भाग के लिए? काल्पनिक भाग के लिए। इधर इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ले लिया स्क्रीन शॉट, एक बार और देख लो फिर आगे वाला पार्ट करेंगे। ये एफ डेल्टा फंक्शन हो गया विश्लेषिक है, विश्लेषिक है तो इसके औकल्य प्रूव किया था हमने, किसी के औकल्य विद्यमान होंगे तो ही वो विश्लेषिक होगा। पहले ही बोल दिया विश्लेषिक है तो उसके अवकलन भी विश्लेषित होंगे। विश्लेषित होंगे तो विश्लेषिक की डेफिनेशन है कि वो सतत भी होंगे, सतत भी होंगे। पर्श्वादी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सतत होने चाहिए, सतत होंगे। और क्या होना चाहिए? लाप्लास को संतुष्ट करना चाहिए। आगे करेंगे। देखो पुनः कोशी रीमान समीकरण से ये याद रखनी है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। आगे सुनिए कोशी रीमान। अब क्या करेंगे वो समीकरण एक्स का समीकरण दो कर एक्स के सापेक्ष समीकरण तीन का वाई के सापेक्ष अवकलन करके जोड़ने पर, ये मैंने अवकलन करके दिखा दिए, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड सेम है कट गए जीरो आ गया। यानी वास्तविक फलन के लिए यानी यू के लिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। अतः फलन एफ डेल्टा का वास्तविक भाग क्या है? पर्श्वादी है। अब करेंगे काल्पनिक भाग, यहां पर डाल दो अब देखो क्या करेंगे समीकरण दो को y के सापेक्ष समीकरण दो का y के सापेक्ष तथा समीकरण तीन का x के सापेक्ष
समीकरण दो का वाई की सापेक्ष, समीकरण तीन का एक्स की सापेक्ष अवकलन करके घटाने पर समीकरण दो का वाई की सापेक्ष, समीकरण तीन का एक्स की सापेक्ष अवकलन करके घटाने पर देखो क्या हो जाएगा। देखो इसका इसका वाई की सापेक्ष डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक्स है यहाँ पे वाई के सापेक्ष से चलिए इक्वल टू टेन स्क्वायर बी अपॉन बी टेन वाई स्क्वायर। समीकरण दो का इसका एक्स के सापेक्ष डेल स्क्वायर यू अपॉन बी डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन बी डेल एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या बोले इनको घटाने पर, घटा दो देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन बी डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन बी डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन बी डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन बी डेल एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगी। माइनस कर लेना माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा ये जीरो। क्या आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन बी डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो ये काल्पनिक भाग का भी आपका समीकरण संतुष्ट हो गया, हुआ नहीं हुआ, हो गया समझ में है। क्या किया मैंने समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष और समीकरण तीन का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया और उनको घटा दिया। देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स मैंने डेल एक्स डेल वाई लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। नीचे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन बी डेल एक्स स्क्वायर। आगे समझ में इन दोनों को घटा देंगे इसमें से इसको घटाया लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड घटा दी माइनस माइनस प्लस ये आगे जीरो डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। आगे तो लिख देंगे देखो इसको नंबर डाल दो समीकरण पांच समीकरण पांच लाप्लास समीकरण पांच लाप्लास समीकरण समीकरण पांच लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है अतः फलन एफ जेड का काल्पनिक भाग समीकरण पांच लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है अतः फलन एफ जेड का काल्पनिक भाग पार्श्ववादी है। क्या है अतः फलन एफ जेड का काल्पनिक भाग भी क्या है पार्श्ववादी है। ये हो गई चरण का दो इंपोर्टेंट है ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते देखो। आगे आता जो में ये इजी चरम थी कई बार आती ही जा रखना
स्टेटमेंट के साथ साथ जी कई बार पूछते स्टेटमेंट की भी लिखवा लेते कई बार, ठीक है। अब चलते आगे देखो, लास्ट में लिखना था देखो, अतः विश्लेषी फलन, अतः विश्लेषी फलन एफ जी एल की वास्तविक व काल्पनिक भाग, अतः विश्लेषी फलन की अतः विश्लेषी फलन एफ जी एल की वास्तविक व काल्पनिक भाग पार्श्ववादी है, अतः विश्लेषी फलन एफ जी एल की वास्तविक व काल्पनिक भाग पार्श्ववादी है। आगे सुनते हैं, आगे देखो, हो गया ये, इसको ये लाइन लिखिए तो इसकी छोड़ने में एक बार पढ़ा। चलिए आगे आगे देखो, नेक्स्ट जो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, अब देखो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समेशन से युक्ति, पहले समेशन संख्या का से युक्ति पढ़ा था, अब समेशन फलन का से युक्ति बोला है, याद रखना समेशन फलन का से युक्ति, समेशन फलन का संयुक्ति क्या बात चल रही है, समेशन फलन का संयुक्ति इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो माना डेफिनेशन देखो क्या पढ़ रहे, समेशन फलन का संयुक्ति माना समेशन फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आईटा बी एक्स वाई है, माना समेशन फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आईटा बी एक्स वाई है, किसी प्रांत प्रांत डी में माना समेशन फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आईटा बी एक्स वाई, समीकरण फर्स्ट है, किसी प्रांत डी में विश्लेषी फलन है, विश्लेषी फलन है तब एफ जेड की वास्तविक तो एफ जे एल की काल्पनिक भाग बी को वास्तविक भाग यू का सम्मिश्रित सम्मिश्रित संयुग्मी कहते हैं, समेशन संयुग्मी कहते हैं।
क्या हो गया समझना, देखो क्या कहते हैं, यदि एफ जे बराबर यू प्लस आइटा वी विश्लेषित है तो आइटा एफ जे क्या देगा, क्या देगा, देखो ये आइटा एफ स्क्वायर माइनस का बी और प्लस आइटा यू बी विश्लेषित होगा, विश्लेषित होगा। आइए अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ u प्लस आइटा बी था, इसके काल्पनिक भाग था, अब u इसके काल्पनिक भाग हो गया, ये तो बोलो तुमने माना सफिशिएंट प्लेन एफ जेड ये है किसी प्लान डी के विश्लेषित है, तब एफ जेड के काल्पनिक भाग बी को वास्तविक भाग u का सामिश्र संयुग्म भी कहते हैं, क्योंकि देखो आइटा से जैसे मल्टीप्लाई किया फंक्शन को उल्टा हो गया, ये होता है ना v इधर आ गया u का चला गया, u का समेशन संयुग्मी कहते हैं, तथा तब काल्पनिक भाग u अब u तथा काल्पनिक भाग u इसके बाद क्या होगा, u वास्तविक भाग वास्तविक भाग माइनस बी का सम्मिश्र संयुग्मी है, तथा तब काल्पनिक भाग यू वास्तविक भाग माइनस बी का सम्मिश्र संयुग्मी है, अतः विश्लेषित फलन, अतः विश्लेषित फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा बी, अतः विश्लेषित फलन एफ जेड यू प्लस आइटा बी अतः विश्लेषित फलन U प्लस आइटा बी में काल्पनिक भाग V का वास्तविक भाग फिर वापस आपके लिए वास्तविक भाग U का तथा वास्तविक भाग U काल्पनिक भाग V का में काल्पनिक भाग V वार्षिक भाग यू का तथा वार्षिक भाग यू काल्पनिक भाग के नेगेटिव का सम्मिश्र संयुग्मी संयुग्मी कहलाता है। क्या बोला देखो, तथा तब काल्पनिक भाग u वास्तविक भाग माइनस v का सम्मिश्र संयुग्म कहलाता है, और ऊपर वाले में क्या था, अतः विश्लेषित फलन f z में काल्पनिक भाग v वास्तविक भाग u का तथा वास्तविक भाग u काल्पनिक भाग का माइनस v का सम्मिश्र संयुग्म कहलाता है। ठीक है, आगे सुनने ये डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद चलते आगे लिख लो, मतलब इसकी जो दे लो फिर आगे चलेंगे।
देखो आगे, देखो आगे चलते, देखो आगे पढ़ेंगे विशेषण करना, एफजेड की रचना करना। देखो अभी सब चीजें इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत कम है इसमें, 10-12 जरूरी है पूरी यूनिट के अंदर ही, इसलिए सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। क्या होगा देखो, विश्लेषित फलन एफ जेड की रचना करना, यदि एफ जेड का वास्तविक भाग भाग यू या काल्पनिक भाग वी ज्ञात हो। विश्लेषक फलन एफ जेड जानते हो ना, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई आइटा बी एक्स वाई जानते हो ना इसको, और उसने बोला कि तुम क्वेश्चन में पता है भाई, याद क्या करो, पढ़ो पूरा उसको, देखो विश्लेषक फलन एफ जेड की रचना करना, यदि एफ जेड का वास्तविक भाग यू या काल्पनिक भाग वी ज्ञात हो, इन दोनों से एक की वैल्यू क्या होगी मुझे याद होगी, दूसरे भी क्वेश्चन मार्क होगा, तब मुझे विश्लेषक फलन याद करना है। ठीक है, तो ये चेंजेस में ठीक है, देखो कैसे देखिए, समझो देखो, माना प्रूफ, माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा बी एक विश्लेषक फलन है, माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा बी एक विश्लेषक फलन है जिसका केवल वास्तविक भाग यू हमें ज्ञात है, माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा भी एक विश्लेषक फलन है जिसका केवल हमें वास्तविक भाग याद है। विश्लेषक फलन तो पता है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा भी एक्स वाई, अब बात क्या हो रही है इसका, सिर्फ वास्तविक भाग याद है हमें, काल्पनिक भाग याद है, तो वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, वास्तविक भाग यू याद है, यानी कि मुझे पता है यू इक्वल टू क्या है, यू एक्स y, ठीक है, और ये भी पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, v x y, ये पता नहीं है ये कंफ्यूज ना हो, चलिए आपके u आइटा y है, z किसका फंक्शन होता है x y का, ठीक है ये भी लिख दो, z इक्वल टू होता है x प्लस आइटा y, तो u किसका फंक्शन होगा x y का, v भी x y का आ गया, और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि इसमें केवल वास्तविक भाग यू हमें याद है, वी नहीं याद है, वी के लिए भी कर सकते हो और यू के लिए करेंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, संपूर्ण अवकलन गुणांक
संपूर्ण अवकल गुणांक, अवकल गुणांक सही जगह अवकल गुणांक है ना, संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि आप देखो इधर यू तो मुझे याद है कौन सा याद करना है कि तो मैं संपूर्ण अवकल गुणांक की मेथड से डीवी बनाऊंगा। देखो मुझे भी डीवी पेपर आ जाएगा उसका समाकलन करूंगा तो वी आ जाएगा पेपर। बोला कि विश्लेषित प्लेन अध्ययन की रचना कीजिए, रचना करूंगा कब करूंगा जब यू और वी पता होगा। मान लिया यू पता है मुझे, ठीक है तो वी फाइंड करना है। संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि dv इक्वल टू क्या कह रहे हो, डेल वी अपॉन में डेल एक्स डी एक्स, डेल वी अपॉन में डेल वाई डी वाई। ये तुमने सेकंड ईयर पढ़ चुके हो फोर्थ चैप्टर चैप्टर में अवकल समीकरण की किताब में। देखो कोसी रीमान समीकरण से, कोसी रीमान समीकरण से क्या होती है, कोसी रीमान समीकरण डेल वी अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन में डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स यूज करेंगे आप। देखो डीवी चल रहा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स वी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, यू की है तो मैं यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख रहा हूँ माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल वी अपॉन में डेल एक्स डी एक्स डी वाई सॉरी डी वाई आई नहीं है सब यहाँ पे आए ना। अब हम तुम ये भी जानते हो संपूर्ण अवकल समीकरण गुणांक की परिभाषा से ये मेरे पास डीवी बन गया। एक चीज चेक करते हैं हम डीवी कर दूँ किस फॉर्म में आ गया एम डी एक्स एम डी वाई, ये इसकी परिभाषा से होता है ठीक है। लिख लो माना तुमने पढ़ रखा हो सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर में ये संपूर्ण अवकल गुणांक ऐसा बनाते हैं ना dv इक्वल टू आता है mdx and dy, फिर हम del n अपॉन del y निकालते हैं x और del n अपॉन del y निकालते हैं, दोनों इक्वल आ गए तो ये एक समीकरण हो गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण याद है यथार्थ ठीक है। देखो क्या करेंगे यहां मुझे पता चला क्या जहां एम की वैल्यू डी एच डी एच एम की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई एम की वैल्यू डी वाई कंपेयर करेंगे तो डेल वी अपॉन में डेल एक्स आ गया था समझ में। अब देखो क्या करेंगे अब हम वही इसके डेरिवेटिव निकालेंगे क्या निकालेंगे देखो डेल वी अपॉन में देखो एम के साथ डी एक्स था ना तो क्या करेंगे डेल एम अपॉन में उल्टा लेंगे डेल वाई डेल एम अपॉन में डेल वाई क्या देखो माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर फिर निकालेंगे हम डेल एम अपॉन में डेल एक्स डेल एन अपॉन में डेल एक्स क्या जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आइए आइए ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे देखो क्या करेंगे जोड़ यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है इससे माइनस का साइन है तो घटा देंगे जो घटाएंगे तो क्या आएगा डेल एन माइनस डेल एक्स इसको घटाने पर क्या करने पर घटाने पर डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन में डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बेटा है ना, माइनस माइनस प्लस आए आप समझ में आए ना, डन। आगे देखो ये हो जाएगा जीरो, क्यों हो जाएगा, यू पार्श्ववादी फलन है, यू पार्श्ववादी फलन है। हमने विश्लेषी फलन बोला, से विश्लेषी फलन को उसके वार्षिक भाग और काल्पनिक भाग को पार्श्ववादी फलन प्रूव किया था, यानी कि वो लाप्लास की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये वैल्यू होगी जीरो। क्या आ गया देखो, डेल एक्स अपॉन टू डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन टू डेल वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, डेल एक्स अपॉन टू डेल एक्स इक्वल आ गया डेल एक्स अपॉन में डेल वाई, ये माइनस का था उधर चला गया, इक्वल पे आ गया। हाँ ये ना, इसका मतलब क्या हो गया, अतः यथा अवकल समीकरण है, अतः समीकरण दो, अतः समीकरण ये पहला, इसको इसको लिखो, इसको दो डाल दो, अतः समीकरण दो यथा अवकल समीकरण है, अतः समीकरण दो यथा अवकल समीकरण है, और वो इक्वल आ जाते हैं। तो ये जो समीकरण होता है ना, ये यथार्थ अवकल समीकरण होता है। अब ये चीजें बताने की नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ रखी है, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा। यथार्थ अवकल समीकरण को क्या करते थे, v इक्वल टू आता था हमारे पास में यू एक्स वाई, यथार्थ अवकल समीकरण को क्या करते थे, फिर अपने अतः समीकरण दो यथार्थ अवकल समीकरण है, अतः समीकरण दो का हल निम्न प्रकार है, किस प्रकार है, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, इसका इसका समाकलन क्या आ जाएगा, v v इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, इसका हल का ये तुम्हें याद होना चाहिए, v इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस वी वाई प्लस सी, जहां पे पहले हम यू एक्स वाई निकाल देते, दिख रहा है क्या, यू एक्स वाई क्या होता था, समाकलन को एम डी एक्स, इसमें क्या होता था, इसे वाई अचर होता था, पढ़ रखा है, और फिर वी वाई निकाल देते, जहां वी वाई क्या होता था, वी वाई का होता है समाकलन है, नहीं दिखाना, एक आप बोले यहां से आगे का इसको मिटाने वाले करेंगे, यहां तक समझ में आएगी। हाँ या ना, आ गया, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं दोबारा देखो।
एक बार और देख लो, देखो समझो वापस। विश्लेषित प्लेन में एब्जेक्ट की रचना करनी है। एब्जेक्ट में वाक्य भाग यू है और काल्पनिक भाग बी ज्ञात हो, या तो यू ज्ञात हो या बी, दोनों नहीं, दूसरा ज्ञात करना है अपने को। क्वेश्चन चाहिए ऐसे, देखो माना एब्जेक्ट इक्वल टू यू प्लस आइटम बी है, एक विश्लेषित प्लेन है जिसका वास्तविक भाग यू एक्स वाई, काल्पनिक भाग यू ज्ञात है और काल्पनिक भाग बी बी एक्स वाई है। संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से ये हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अवकल समीकरण की किताब में। डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वी अपॉन डी डेल वाई और डी वाई। कोशी रीमान समीकरण से हम जानते हैं, अब देखो ये तो वी है, मुझे वी तो ज्ञात करनी है, उसको यू में चेंज करूंगा, मुझे पता है डेल वी अपॉन डेल वाई क्या डेल वी अपॉन डेल एक्स है, कोशी रीमान से जांच की वैल्यू है डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, वो याद रखिए। ये बन गया इस फॉर्म में डी वी इक्वल टू एम डी एक्स एन डी वाई, संपूर्ण अवकल गुणांक में एम की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल वाई, एन की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स। करना क्या होता है, इसका डेल अपॉन डेल वाई इसका डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल लाना होता है, तो वो यथार्थ अवकल समीकरण हो जाता है। देखो मैंने क्या डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या गया माइनस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इधर क्या डेल एन अपॉन डेल एक्स तो आ गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इन दोनों घटा दिया, देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यू परसवादी है क्यों, क्योंकि वो विश्लेषिक है, इसका मतलब इन दोनों का सम जीरो, जीरो आ गया इसके इक्वल भी जीरो, ये उधर गया तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया अद्वैत समीकरण दो से यथार्थ अवकल समीकरण है। ये जो समीकरण है वो क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण। अद्वैत समीकरण दो का हल निम्न प्रकार से होगा, ये उसके बाद फॉर्मूला हल यूज करते हैं, यू एक्स वाई निकालना वी एक्स वाई निकालना, मिटा दो इसको एक बार देख लो, स्क्रीन शॉट ले लिया तो ले लो, नहीं लिया तो वापस ले लो। लिख लिया मिटा दो इसको, देखो आगे सॉरी देखो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, एक तो v इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस वी वाई प्लस सी, ये तो v की वैल्यू होगी, u तो मुझे क्या आता है v की वैल्यू निकालनी है, ये तो v की वैल्यू होगी। अब इसमें किस किस की होनी चाहिए, इसकी और इसकी, रखो देखो जहां यू एक्स वाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन इसे वाई अचर होता है एम डी एक्स, वाई अचर है तो डी एक्स के सापेक्ष, दूसरा बी वाई इसमें एक्स अचर होता है, क्या जाएगा समाकलन ऑफ एन माइनस डेल वी अपॉन टू डेल वाई डी वाई, ठीक है निकालो तुम लोग, इन दोनों की वैल्यू आपके हमारे पास नहीं, इन दोनों की वैल्यू मुझे फाइंड होगी, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास में, यू कोई वैल्यू दे रखी होगी क्योंकि तो वी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, उसको यूज करेंगे, जहाँ पे यू ये हो जाएगा वी ये हो जाएगा, ठीक है तथा यू और वी के मान, यू और वी के मान के मान समीकरण एक में रखने पर u तथा v के मान समीकरण एक में रखने पर f z इक्वल टू यू एक्स वाई आइटा वी एक्स वाई के
एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा पी एक्स वाई प्राप्त होता है। आइए समझें, जहां यू के यू के तथा यू और बी के मान समीकरण एक में रखने पर एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई प्राप्त होता है। आगे सुन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके साथ ही खत्म हो गई। अभी बात करना था, वैल्यू तो निकाली थी। ये वैल्यू जब क्वेश्चन दिया होगा, इसमें यू की कोई फंक्शन दिया होगा, मान लो यू ऐसे दिया हुआ है, यू एक्स वाई मुझे देखा है एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, तब मैं ये सब कुछ लोगों को सॉल्व, तब ये वैल्यू क्या निकलेगी। समझ में आ गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल्स करेंगे जब एग्जाम्पल्स आएंगे, अब इनको समझो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो बाकी जो थ्योरम्स हैं वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।